हेलो गाइस, तो आज हम करवाने वाले हैं अपने टीम मेंबर के बीच एक दौड़। उस दौड़ से हम पता करने वाले आखिरकार एक इंसान कितनी स्पीड से दौड़ सकता है। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये आप कैसे चेक करेंगे। जैसा कि गाइस आपने देखा होगा, हमारी बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बाइक कितनी स्पीड से दौड़ रही है। लेकिन इंसान के तो स्पीडोमीटर नहीं लगाता, तो उसके हम कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम लोग लेंगे सहायता में गूगल मैप का। गूगल मैप की सहायता से हम पता करेंगे कि आखिरकार एक इंसान कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारे साथ मौजूद है करण और सौरभ, इनके बीच हम लोग दौड़ करवाने वाले हैं। यानी एक एक करके ये लोग दौड़ेंगे और पता करेंगे आखिरकार इनकी स्पीड कितनी आती है और इनकी स्पीड कितनी आती है। गाइस, ये आप घर पर अपने ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी थी। तो गाइस चलो करवाते हैं रेस। तो गाइस, हम यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं और गाइस एक लकीर खींच देंगे हम लोग इस दूरी पर, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिरकार कितनी इनकी स्पीड निकल कर आती है। चलो देखते हैं। हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों बना दिए हैं। अब बस हमें इनकी दौड़ करानी है और चेक करनी है स्पीड। तो आप लोग तैयार हो देखते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहले दौड़ने वाले करण और इनके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, साइड में आपको दिखाई भी देगा कि इनकी स्पीड कितनी आती है। तो चलो स्टार्ट। रन गाइस, आप करण की टॉप स्पीड देख चुके होंगे। अब गाड़ी सौरभ की देखते हैं, सौरभ कितनी स्पीड से भाग सकते हैं। रन तो गाइस, आपने देखी कि करण और सौरभ की स्पीड कितनी है। करण कितनी आई तुम्हारी? 29। करण की आई हुई टॉप स्पीड 29 और सौरभ की टॉप स्पीड आई है 19। यानी लगभग 9-10 का फर्क रहा, क्योंकि अब एज में भी फर्क है, तो वैसा तो होना ही था। गाइस, आपकी टॉप स्पीड कितनी है आप कमेंट में बताना। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।